कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। सरकार के नए गठन के बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लगातार अलग अलग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। सरकार की मंशा अनुसार सभी हॉस्पिटलों में दवाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों, लोगों के उठने बैठने का उचित साधन हो, पानी का साधन हो, लोगों को किसी तरह की अव्यवस्था महसूस ना हो। इसी क्रम में एक शासनादेश जारी किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस शासनादेश के अनुसार सभी हॉस्पिटलों में बैठने की उचित व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सबसे मुख्य रूप से जो इस शासनादेश में दर्शाया गया है वो ये कि जो भी वहाँ पर डॉक्टर हैं वो बाहर की दवाएं न लिखें। सवाल दो पक्षीय है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सरकारी हॉस्पिटल यहीं पर ले लिया जाए, विधानसभा खड्डा में तुरखान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटवां स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है। यदि मरीज जाता है और उसे एक्सरे की ज़रूरत हो तो उस समय डॉक्टर क्या करेगा? या तो उसे रेफर करे या फिर उसे यूं ही तड़पता हुआ छोड़ दे। इमरजेंसी की दवाएं, कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में जाता है और उसे तुरंत अगर उपचार की ज़रूरत हो और हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध ना हो, इस वक्त डॉक्टर क्या करे? बाहर की दवाएं लिखे या उसे रेफर करे? यदि उसे तुरंत ही चिकित्सा की आवश्यक है उस समय डॉक्टर क्या कर सकता है? जबकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। आप जाएंगे तो आपको महज 5 कलर की ही दवाएं मिलेंगी, उससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आपको जो भी तकलीफ हो आपको वही दवा दी जाएंगी। दूसरी बात, कहीं भी आप सरकारी हॉस्पिटल पर चले जाइए, उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे तो प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की होड़ लगी है और डॉक्टर साहब वही दवा लिखते हैं जो वहाँ पर उपलब्ध होती है। आप डॉक्टर साहब की दवाएं जो पर्ची मिलेंगी, जो डॉक्टर साहब लिख के देंगे, वो पर्ची आप पूरे एरिया में घूम लीजिए, वो दवा नहीं मिलेगा। बस वो दवा वहीं मिलेगा जहाँ पर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि ये दवा आप वहाँ जाकर ले लीजिए, और वो मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही होते हैं, बाकी वो दवा आपको कहीं मिलनी नहीं है। तो क्या डॉक्टर साहब और मेडिकल स्टोर वालों की सेटिंग होती है ये मान लिया जाए या फिर कुछ और? सरकार की मंशा अनुसार जो भी सरकारी डॉक्टर हैं उन्हें बाहर की दवाएं नहीं लिखनी है, तो फिर जो हॉस्पिटल के सामने मेडिकल स्टोर की भरमार है वो क्यों है? उन मेडिकल स्टोरों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार की नज़र उस पर नहीं जाती? आखिर ये जो लोग यहाँ बसे हुए हैं मेडिकल स्टोर खोलकर और इनकी जो अवैध दुकानें चल रही हैं वो कब हटाई जाएंगी? और यदि दवाएं उपलब्ध हैं हॉस्पिटल में तो बाहर की दवाएं लिखने की ज़रूरत क्या है? और अब उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर क्या करे? मरीजों को मरता हुआ छोड़ दे? यदि सीरियस आप हैं, मरीज सीरियस है, डॉक्टर रेफर करता है, तो देखा जाए तो संयुक्त हॉस्पिटल में भी मशीनें कभी सही नहीं होती हैं। जब जाइए आप अक्सर कर यही मिलेगा कि मशीनें खराब है। तो यहाँ खड्डा से जिला से गोरखपुर, इस तरह से तो ये होगा कि यदि मरीज सीरियस है तो वो रास्ते में ही ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा और सरकार की जो मंशा है वो कागज़ में ही रह जाएगी। तो क्या सरकारी फरमान केवल कागज़ों में रहेगा या फिर इसका समाधान भी होगा, इसकी उचित व्यवस्था की जाएगी, हॉस्पिटलों में दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी या फिर यूं ही केवल सरकारी फरमान जारी किए जाएंगे? देखा जाए तो कुछ दिन पहले लखनऊ में जो औषधि केंद्र है वहाँ पर लगभग 16 करोड़ की दवाएँ एक्सपायर हुई थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ जो लोकल में हॉस्पिटल हैं वहाँ पर दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और जहाँ औषधि केंद्र है वहाँ करोड़ों की दवाएं यूं ही बेकार पड़ी हैं, खराब हो गई, फेंक दिया गया। यहाँ पे भी देखा गया है, कई बार देखा गया है, कोटवां जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ इधर उधर नालियों में फेंका गया था, उस बार भी काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था। फिलहाल इस बीच ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ भी हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर बनाए गए हैं, जो दवा अंदर लिखी जाती है वो वहाँ बाहर वहीं मिलता है, बाकी आप पूरे कोटवां में घूम जाइए वहाँ आपको दवा मिलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जो भी सरकार की सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुँचे, किंतु जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनता को इसका लाभ मिले। हाल ही की घटना है, आप देख सकते हैं, निभुआ नौरंगिया स्वास्थ्य केंद्र से एक रेफर पर्ची बनाई गई संयुक्त जिला हॉस्पिटल के लिए,
जो कि सिटी स्कैन कराना था। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने क्या कहा, पहले आप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उल्टी भी लगती है? उल्टी लगती होती है कि लगती है? होती नहीं तो लगती लगती उल्टी होने के बाद कुछ आराम दर्द होता है? दर्द सर में नहीं होगा, जैसे चुनचुनाहट टाइप का होता है, कुछ भी जैसे। प्रेग्नेंट नहीं है? प्रेग्नेंट नहीं है? प्रधानमंत्री जन औषधि होगा इधर सब दवा गड़बड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि मोदी जी का जन औषधि, मोदी का फोटो बना हुआ है वहां से दवा लीजिएगा। आपने देखा किस तरह से डॉक्टर साहब प्लान दे रहे हैं कि सिटी स्कैन की जरूरत नहीं है आपको, आप ले जाइए ये दवाएं खाइए और दवा जन औषधि केंद्र से ही लीजिएगा। ये क्या है आखिर, जन औषधि केंद्र से ही क्यों, जब आप बाहर की ही दवाएं लिख रहे हैं तो बाहर और भी मेडिकल स्टोर हैं जहां पे यही दवाएं उपलब्ध होंगी, तो जन औषधि केंद्र से ही क्यों, क्या वहां पे आपकी सेटिंग चलती है? मुझे तो यही लगता है कि आपकी सेटिंग होगी तभी आपने वहां भेजा। इससे पहले एक लड़का और आया जिसे इन्होंने हड़काया कि ये दवा तुम जहां से लेकर आए हो, वो भी बाहर से लेकर ही लड़का आया था, शुरू से रिकॉर्ड ना हो सका लेकिन लास्ट में थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, हम आपको जरूर दिखाएंगे। उस लड़के को इन्होंने धमकाया कि तुम पागल हो जाओगे, जंजीर से बांधे जाओगे, जाओ इसको वापस करके आओ और जन औषधि केंद्र से ही दवा लेना। क्या जन औषधि केंद्र वाले ही पर्याप्त मात्रा में दवाएं देते हैं, अच्छी दवाएं देते हैं, ओरिजिनल दवाएं देते हैं? बाकी जो वहां पे इर्द गिर्द जो भी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और जो आप लोगों की मनसा के अनुसार चलता है, क्या वहां की दवाएं उपलब्ध नहीं है? क्या वो दवाएं ठीक नहीं है? क्या वो दवाएं लोकल हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटलों में दवाएं आती ही नहीं है, आप लोगों को फुकट की सैलरी दी जाती है, जब बाहर की जनता बाहर की दवाएं देकर जनता का खून यूं ही चूसना है तो फिर सरकारी हॉस्पिटल का मतलब क्या है? सरकार का पैसा इस तरह से पानी में बहाने से मतलब क्या है? जब जब जनता बाहर का ही दवा लेगी तो सरकार के नाम पर ये जो आप लोग करोड़ों भुना रहे हैं, लाखों की सैलरी ले रहे हैं, वो क्यों है? जनता आखिर इसका लाभ जनता को कब मिलेगा? देखा जाए तो जब भी आप संयुक्त जिला हॉस्पिटल कुशीनगर जाते हैं वहाँ पर दो चार ब्रोकर हॉस्पिटल के अंदर घूमते रहते हैं। मैं दो बार वहाँ गई हूँ, दोनों बार मैंने देखा है कि मरीजों के हाथ से पर्ची ले लेते हैं और हॉस्पिटल के पीछे बाउंड्री के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं, वहाँ ले जाकर प्राइवेट से वो दवा दिलवा कर और लाते हैं। और रह गया जो हॉस्पिटल में, तो वहाँ तो केवल पाँच कलर की दवाइयाँ ही होती हैं, उससे ज़्यादा आपको दवा मिलने वाली नहीं है, वो भी हमको लगता है केवल यूँ फर्जी ही दवा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और टोटल बाहर की दवाएँ लिखी जाती हैं। अंदर औषधि केंद्र में जाने के बाद अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि यहाँ पर दवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, आप बाहर से दवा जाकर ले लीजिए। आखिर सरकार इतना धन जो जनता के नाम पर लुटा रही है, आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? यदि दवाएं उपलब्ध हैं तो बाहर की दवाएं क्यों लिखी जा रही हैं? और यदि हॉस्पिटल में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो हमारी सरकार कब तक उपलब्ध कराएगी? क्या ये फरमान केवल पेपर में रहेंगे, कागज में रहेंगे और जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी और जनता को इसका लाभ कब मिलेगा? अक्सर कर देखा जाए तो जब भी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर उपलब्ध हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे जो दवाएं हैं वो
नाकाफी है। मरीज के साथ डॉक्टर न्याय नहीं कर सकता, उसे बचा नहीं सकता, किंतु संयुक्त जिला अस्पताल में जो नज़ारा देखने को मिला है वो तो सरकारी फरमान पे एकदम मटियामेट कर देने वाला है, सरकारी फरमान का धजिया उड़ाने वाला है, आप जो भी कह लीजिए उस पर वो काफ़ी है। शासनादेश में एक और पॉइंट है जिसमें ये लिखा गया है कि हर हॉस्पिटल में दो पोस्टर लगवाए जाएं, जिसमें एक पोस्टर में डॉक्टरों की लिस्ट हो कि यहाँ पर कौन कौन डॉक्टर हैं, और दूसरे पोस्टर में दवाओं की उपलब्धता लिखी गई हो कि यहाँ पर कौन कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं, ताकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें कि मेडिकल क्षेत्र की जानकारी नहीं है, अगर वो जायजा लेने के लिए जाएँ तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वे हॉस्पिटल का जायजा ले सकें। किंतु यहाँ पर देखा जाए तो सारा उलट पुलट हो रहा है, जो सरकारी फरमान है उसका किसी तरह से पालन नहीं दिख रहा है, किसी एक पॉइंट पे भी पालन नहीं किया जा रहा है, ना तो उठने बैठने की सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है, और ना ही इस तरह का कोई पोस्टर है, और ना ही दवाएं अंदर से मिल रही हैं, दवाएं बस 5 कलर की, और बाकी यदि आपको दवा लेना है, अच्छा होना है, तो बाहर से दवा लाइए और सरकार का धन इन्हें खिलाइए अपने नाम पर।